पर जरूर नजर डालें, हमें कुछ ना कुछ बैक ऑफ माइंड में जरूर हो कि हमें क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ये स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। द लेआउट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, पाकिस्तान इकोनॉमिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ, मिनार सर्विसेज, ग्लोबल कैंसर स्टैटिस्टिक्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट पीईसी कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट, मिनार कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट, एंड देन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या है, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो कि सर्विसेज लामहदूद हैं लेकिन इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है कि ये एक मैसेज है जो आप बाकी जगहों पर भी कन्वे करेंगे। इट्स अ वेल नोन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विच इज सर्विंग अंडर एसपीई। बहुत सी सर्विसेज हैं जो पी ए सी दे रहा है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, न्यूट्री मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, और जैसे कि एक नया स्टेप लिया है एक जो हमारा वॉल्यूम वन आया है हमारे कैंसर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का, जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे। एक्ट फॉर पीस, ये एक स्लोगन है जिस पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन आईएईए के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो कि जब भी हम बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं, वहाँ पर हमारे जहन में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना ज़रूरी है कि हम इनको पीस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और बीइंग डॉक्टर्स, हम जो हमारा जो प्रोफेशन है उस हवाले से, हम पेशेंट मैनेजमेंट के हवाले से, चाहे वो डायग्नोस्टिक है चाहे वो थेरेप्यूटिक है, तो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हम आगे चलकर देखते हैं, दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपको ये नजर आ रही है ऑल ओवर पाकिस्तान। आप देख सकते हैं सेंटर्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू द लास्ट कॉर्नर, आप देख सकते हैं चारों तरफ ये सेंटर्स हैं। 18 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर काम कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन हॉस्पिटल्स के नाम से, जिन्हें आप देख सकते हैं सिनोर, इनोर, एनम, इनोर, दिनार, सिनार, एएमसी के रन, नेमरा, नोरी, लिनार, मिनार, बीनो, पेनम, इनमोल, सिनम, जिनम, नूरी, और इसके अलावा 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं जिन पर बाकायदा काम हो रहा है। रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी इस पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन ने अपना एक हिस्सा डाला है। रोल पी एस इन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पर मतलब बात करनी बहुत ज़रूरी है। आप जब इतने बड़े सेटअप पर इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं तो हेल्थ को फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा वक्त है। हम प्रिवेंटिव मेजर्स में जब बात करते हैं तो हेल्थ को फोकस करेंगे, हेल्थ को जहन पे रखेंगे, तो ही हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कर सकेंगे, तो ही हम किसी भी डिजीज से बचाव के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स अडॉप्ट कर सकेंगे। पी ए सी का कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी बेस्ड diagnostic and therapeutic services, appropriate and timely management, that is the most important thing to aapko yahan nazar aaye, appropriate and timely treatment, extensive teaching training and research opportunities aur awareness programs jo ki aap dekh rahe hain world cancer day ke hawale se, aaj ka ye seminar bhi iska ek practical example hai। role of pakistan atomic energy commission in human health, jaise ki abhi baat ho chuki hai ki hum 80% जो टोटल पेशेंट्स हैं टोटल कैंसर हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, देख रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं। और पी ए सी के आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम हो रहा है, आर्म फोर्सेस का है, प्राइवेट सेक्टर पर काम हो रहे हैं, काम पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा, दैट इज द पॉइंट। इसी पॉइंट को लेकर हमने आगे चलना है कि हम इन्फॉर्म्ड हैं, हम काम करना चाहते हैं, हमारे पास हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पास रिजल्ट आउटपुट उसका जीरो क्यों है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल्स इनकी एस्टैब्लिशमेंट 1960 से लेके 2020 तक की सर्विसेज दे रहे हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स। दिस इज वंस अगेन यू कैन सी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन शेयर इन नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स, एसीएच हॉस्पिटल्स 80%। दिस इज मिनार, अ प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट, कैशुअलिटी ऑफ मिनार, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट्स का हम कहाँ से देख रहे हैं। देखने में लगता है कि सिर्फ हम बहुत छोटा सा एरिया देख रहे होंगे लेकिन आप देखिए बहावलपुर, लोधरा, बिहाड़ी, यहाँ अटक देखें, चकवाल, रावलपिंडी, डीजे खान की सारी बेल्ट, साउथ पंजाब सारा, बलूचिस्तान तक हम देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा कैशमेंट एरिया है मीनार के पास।
ये हमारा कुछ हिस्सा मीनार का स्टाफ जिसमें हमारे पास न्यूट्रल फिजिशियंस फोर, हमारे पास ऑनकोलॉजिस्ट सेवन जिसमें से एक हमारे पास कंसल्टेंट मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास दो हैं, पैथोलॉजिस्ट मेडिकल फिजिसिस्ट साइंटिस्ट हमारे पास चार, बायो मेडिकल इंजीनियर बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर सीनियर काउंटर ऑफिसर हमारा एक पूरा स्टाफ। तो कहीं ना कहीं हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन बात हुई है सवाल मेरा आज सारे आप लोगों से यही रहेगा कि आउटपुट हमें नहीं मिल रहा, उसके लिए हमें सोचना है क्या सोचना है। मेजर सर्विसेज एट मीनार, हमारे पास मीनार में कुछ नई सर्विसेज शुरू हुई हैं जिसके हवाले से आप लोगों को अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये मैसेज आप कन्वे करें और इन सर्विसेज से आप भी मुस्तफ़ीद हों। न्यूक्लियर मेडिसिन में जो है स्पैक्ट सीटी, ये रिमार्केबल एक चीज़ जो मीनार में इस वक्त हम इंट्रोड्यूस करवाए दैट इज स्पैक्ट सीटी, इसके हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर अपडेट हों, हमारा ये देखें ये मशीन हमने जहाँ लगाई है जो हमारा इसका सेटअप है दैट इज़ मार्वेलस। न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी विद कार्डियक स्ट्रेस सिस्टम, रेडियोथेरेपी, इसमें ना सिर्फ कोवर्ट में तो हम ऑलरेडी ट्रीट कर ही गए थे लेकिन अब हमारे पास लिनेक भी अवेलेबल है, इंशाल्लाह इसकी सर्विसेज भी जल्दी शुरू हो जाएंगी। कीमोथेरेपी, डिजिटल रेडियोलॉजी, सीआर सिस्टम, रिस्क क्लिनिक, मेमोग्राफी, एमआरआई, आरआईए, रेडिएशन प्रोटेक्शन, हेल्थ फिजिक्स, डेक्सा स्कैन एंड एक्सा होल बॉडी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है। क्लिनिकल पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, इको, कलर डॉप्लर, पीसीआर, टीचिंग ट्रेनिंग भी हमारी शुरू हो चुकी है, क्वालिटी फिजिशियन एंड सर्जन और पाकिस्तान से हम लोगों का शुरू हो चुका है कोलैबोरेशन, हमारे रेजिडेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं, फार्मेसी, आईबीबी, हमारी इंस्टीट्यूट बेस्ड प्राइवेट प्रैक्टिस भी हमारे इंस्टीट्यूट में कॉन्टिन्यू है, एंड ब्रेकिथेरेपी जिस पर आज हम जरूर फोकस करेंगे, बात करेंगे और इसका एक हमारे पास स्टॉक भी मौजूद है। इस टाइप पर थोड़ा सा टाइम देंगे उसके बाद हम जल्दी जल्दी ग्राफिक में ही हम आगे चलेंगे। ग्लोबल कैंसर स्टेटिस्टिक्स 2018, ये सबसे रिलायबल डेटा है। रिलायबल इसलिए कि इसमें जो कंट्रीज दी हैं 185 कंट्रीज हैं फ्रॉम एशिया, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम यूरोप, इसमें पूरे जो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा एरिया इसमें कवर हो रहा है 185 कंट्रीज और 36 कैंसर्स वर्ल्ड वाइड की इंसिडेंस और मोर्टेलिटी पर बात की गई है। और ये जो लेटेस्ट इसके पास से फिगर्स हैं, जो लोग इस पर मजीद देखना चाहते हैं बहुत ज़बरदस्त इसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया गया है, आप इस पर विजिट भी कर सकते हैं और इसको मजीद देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपसे इंसिडेंस के हवाले से क्योंकि हम अब चलेंगे पीएसी की जो रजिस्ट्री रिपोर्ट है वो हमें क्या कहती है, मीनार की रजिस्ट्री रिपोर्ट क्या कहती है। और आप खुद जब ये वन बाय वन ये स्लाइड्स गो थ्रू करेंगे आप ये देखेंगे कि इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, हमारी लिमिटेशंस कहाँ हैं, मतलब मेरे बताने से पहले आपको खुद पता होगा कि लिमिटेशंस हम कैंसर रजिस्ट्री जो प्रोग्राम है उसमें कहाँ पर हमारे पास आ रही हैं। तो ग्लोबल कैंसर 2018 के मुताबिक 2018 में 18.1 न्यू मिलियन कैंसर जो केसेस हैं वो डायग्नोज हुए और 9.6 मिलियन कैंसर डेथ्स जो हैं वो देखी गई हैं वर्ल्ड वाइड और ये एक बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। दोनों अगर हम बात करें मेल और फीमेल जेंडर्स में तो जो कॉमन कैंसर्स रहे हैं थ्रू आउट उसमें हमारे पास जो कॉमनली डायग्नोज कैंसर रहा है इंसिडेंस वाइज और मोर्टेलिटी वाइज अकॉर्डिंग टू दिस ग्लोबल कैंसर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस 2018 दैट इज लंग कैंसर। ये दोनों मेल्स और फीमेल्स में क्यूमुलेटिव बता रही हूँ, इट्स नॉट इन मेल्स एंड इट्स नॉट इन ओनली फीमेल्स। उसके बाद बारी आती है इंसिडेंस के हवाले से, उसमें फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, देन प्रोस्टेट कैंसर, दिस इज इंसिडेंस वाइज, एंड देन ऑन थर्ड नंबर कोलोरेक्टल कैंसर। ये एक हमारा बहुत बड़ा मसला है कोलोरेक्टल कैंसर, इस पर जरूर बात करनी चाहिए स्क्रीनिंग के हवाले से भी और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज के हवाले से भी। और मोर्टेलिटी वाइज अगर हम देखें इन कैंसर्स में मोर्टेलिटी वाइज वर्ल्ड वाइड क्या रेशो रही है तो कोलोरेक्टल कैंसर देन फॉलोड बाय स्टमक कैंसर एंड देन लिवर कैंसर। तो ये एक पूरा एनालिसिस है इस रिपोर्ट में कि आप अगर मेल और फीमेल जेंडर्स दोनों में आप क्यूमुलेटिव देख रहे हैं तो हमें ये कैंसर्स हैं जो कॉमनली हमें देखने को मिले हैं एंड लिवर कैंसर इस पर एम्फेसिस करने की ज़रूरत है। इस हवाले से मेरे पास कुछ लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं लिवर कैंसर के हवाले से, वो जरूर शेयर करेंगे क्योंकि लिवर कैंसर ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन रहा है हमारे पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉब्लम बन चुका है लिवर कैंसर। और जाहिर सी बात है इन कैंसर ये ऐसा कैंसर है जिसमें हमारे पास ट्रीटमेंट के हवाले से इश्यूज हैं
तो हमें इसकी स्क्रीनिंग की तरफ तवज्जो देनी है, स्क्रीनिंग लेयर्स हमें जो है वो देखनी है. तो ग्लोबल कैप 2018 में चीज़ें बहुत सी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमें थोड़ा आगे चलना है. ये मैंने एक उसका एनालिसिस बताया है कि इन कैंसर्स के हवाले से बात की गई है, और आगे चलकर इस रिपोर्ट में एक और खास बात बताई गई है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी. नेक्स्ट स्लाइड्स. पाक्सन एटॉमिक कैंसर रजिस्ट्री. अब इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है एटॉमिक एनर्जी कमीशन हॉस्पिटल्स का, जो आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे आपको दिखा है कि सेंटर्स सारे पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और इन सेंटर्स का बेसिक मकसद यही है कैंसर पेशेंट मैनेजमेंट, उसकी डायग्नोसिस, उसकी थेरेप्यूटिक, मतलब एक फैसिलिटी देना कि लोग आएँ और एक ही इंस्टीट्यूट में एक ही जगह पर डायग्नोसिस भी हो जाए, मैनेजमेंट भी हो जाए, उनको काउंसलिंग भी हो जाए. तो ये स्टेप बाय स्टेप है. तो मीनार उसमें से एक ऐसा एटॉमिक कैंसर हॉस्पिटल है जो अपनी ये सर्विसेज दे रहा है. और इसके साथ साथ कुछ बातें बताऊंगी आपको, हमारे जो पीएनसी का जो रजिस्ट्रेशन जो बाकायदा शुरू की गई है वो कब से शुरू की गई, जो ईयर्स इंक्लूड किए गए हैं 2015 से 2017 तक. ये जो पहला वॉल्यूम आया है ये 2015 से 2017 तक हमने जो है इसके अंदर पेशेंट्स जो है वो इसमें रजिस्टर किए हैं. और पर बात ये जो ICD-10 ब्लॉक C00C97 ये हमने फॉलो किया है कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम में. टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स भी आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन एज ग्रुप्स डिफरेंट है इसके अंदर. चिल्ड्रन की जो एज ग्रुप है दैट इज 0 to 9, देन एडोलेसेंट 10 to 19, देन एडल्ट्स है 20 to 39, मिडिल एज है 40 to 59, एंड देन ओल्ड एज. इसके अलावा इसमें वेरियस रीजन्स हैं, मतलब रीजन्स की आप राइट देखिए, इस्लामाबाद, पंजाब के एरिया, सिंध के एरिया, KPK है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान और अफगानिस्तान के पेशेंट्स भी इसमें रजिस्टर्ड हैं इस रिपोर्ट में. तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही वास्ट एरिया है जो हमने कवर किया है इस रजिस्ट्री रिपोर्ट में. और रीजन्स के अलावा जो बात हो रही थी कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, एन नंबर जो रहा इस 2015 से 2017 पीएनसी कैंसर रजिस्ट्री वॉल्यूम 1 में, दैट इज 1,02,022 patients. इसमें से आप देख सकते हैं मेन कॉन्ट्रीब्यूशन फीमेल ज्यादा कैंसर डायग्नोसिस का हुआ है, 56% फीमेल्स हैं और 44% मेल्स हैं. ऑब्वियसली हमारा जेंडर डिफरेंस भी इसी तरह से जा रहा है, फीमेल्स आर मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू मेल्स. तो ज्यादातर डायग्नोस्टिक और जो थेरेप्यूटिक या उसमें जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो ज्यादातर फीमेल्स की हुई है. लिमिटेशंस आर देयर, बार बार आप लोगों के जहनों में भी आ रहा होगा कि ये हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं कितने परसेंट इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो करेक्ट है नहीं है. कोशिश की गई है, लिमिटेशंस आर वर देयर एंड लिमिटेशंस आर देयर. Why cancer patients are at increased risk of infections? सबसे पहले इस पर बात करूँगा, then I will talk about what is and then other causes like marrow dysfunction in leukemias and other hematological malignancies. Diagnostic and therapeutic services, appropriate and timely management. That is the most important thing to aapko yahan nazar aa rahi hai, appropriate and timely treatment. Assalamu alaikum, mera naam Dr. Arif Mohin Qureshi hai and I am working as medical oncologist in MINAR. aur maine baat karni hai febrile neutropenia and infection in cancer patients. First of all, why cancer patients are at increased risk of infections? सबसे पहले इस पर बात करूँगा, then I will talk about what is febrile neutropenia and what is its importance and how to manage it and how especially how to prevent neutropenia. Actually, cancer patients are at increased risk of infections due to a variety of causes, and it can be broadly categorized into two main causes: disease related causes and treatment related causes. So what are disease related causes?
And most solid tumors and lymphomas, because they are solid masses, they can compress any structure, and actually they can result in infections. Like if they compress bronchus, it can develop into pneumonia. They can obstruct any GI tract, or in hepatobiliary system, or genitourinary system, anywhere they can have obstructions. And then other causes like marrow dysfunction in leukemias and other hematological malignancies. Most of the leukemias patient present in with the cytopenias, neutropenia, thrombocytopenia. So, neutropenia is a big risk factor for catching infections. Then most of the lymphoma patients, they have lymphocyte dysfunction. And this lymphocyte dysfunction actually is a risk factor for catching encapsulated bacterial infections. And then most of the cancer patients are cachexic, malnourished. Malnourishment and cachexia are also a big factor, because these patients are poor, they can poorly fight against infections. Then treatment-related causes. We all know that chemotherapy is a cytotoxic chemotherapies, and they act on rapidly dividing cells. So most commonly organs affected are mucosa and bone marrow. Bone marrow's chemotherapy causes neutropenia and also causes mucositis. Mucositis, the inflamed mucosa, it's very permeable for pathogens to invade through it, and that results in infections. Then neutropenia I will discuss later on. And then lymphoma patients are, most lymphoma patients are on steroids, and steroids causes immunosuppression, like cell-mediated immunity and phagocytosis are impaired in these patients. So what is the definition of febrile neutropenia? Infectious Disease Society of America defines it as neutropenia is when the absolute neutrophil count goes down to less than 500 cells per mm cube. The normal is more than 2000 cells. And if it is expected that they will decrease below 500,000, then it's also treated as neutropenia. And in neutropenic patient, the definition of fever is single oral temperature of 38.3 or 101 degree Fahrenheit, or a sustained temperature of more than 100.4 degree Fahrenheit for more than 1 hour. So why neutropenia is important? Actually, it impacts overall survival of cancer patients. Because neutropenia can lead to infections, and infections have, in neutropenic patient, most of the infections like pneumonia can be fatal. So they can increase overall mortality in cancer patients. Then neutropenia can cause chemotherapy delays, and they can also cause a decrease in chemotherapy delivery, dose delivery. So this all can result in reduced survival in cancer patients. So what are the aims of management in febrile neutropenia? The main aim is to reduce the incidence and duration of febrile neutropenia. Then the maintenance of chemotherapy relative dose intensity of above 85%. It is very important to deliver more than 85% of the planned dose if you want to cure a curable cancer like lymphoma or germ cell tumor. And in most cases where chemotherapy doses are reduced, the main more than half of the cases is due to neutropenia. So when we manage neutropenia, the first thing is general preventive measures. General preventive measures include frequent hand washes, both by patients and their care providers. It can reduce many infections. And use of face masks, especially by patients when they are in public places. Then avoiding uncooked food and using boiled water. They are general simple measures which can reduce a significant number of infection in cancer patients. Then use of prophylactic antibiotics. It is actually controversial, but it can be used in high risk patients, especially the acute leukemia patients who are undergoing remission induction chemotherapies.
And antiviral infection, antiviral and pneumocystis prophylaxis are not generally indicated in neutropenia. And then in the end, it's use of growth factors. Actually, growth factors are very important in the management of neutropenia. They reduce the duration and severity of neutropenia. And they also induce production release of neutrophils. And they also improve the functioning of neutrophils in the tissue and blood. They enhance the neutrophils' chemotaxis, their phagocytosis, and cytotoxicity. So what are growth factors and which type of growth factors are available? Growth factors are generally granulocyte colony-stimulating factor like short-acting like filgrastim and linagrastim and long-acting like pegfilgrastim. Only filgrastim is available in Pakistan, other are not available in Pakistan. And granulocyte monocyte colony-stimulating factors like sargomostim and rigramostim are also not available in Pakistan. So, what is the dosage and timing and duration of these growth factors? They should not be given before 24 hours and after 24 hours chemotherapy because they induce cell division in bone marrow and chemotherapies are cytotoxic, on especially they act on the rapidly dividing cells. So they can actually, if they are given before or after 24 hours of chemotherapy, they can actually prolong cause prolonged neutropenias. And usual dose is 300 milligrams subcutaneously daily on starting on day 2 till the neutrophil count rise above 1500. Today I'll be focusing on modality of brachytherapy. Actually we are starting this modality very soon in coming weeks, inshallah, in MINAR Cancer Hospital. So, as an oncologist, we are always talking about radiation therapy. What is radiation therapy? So, in my presentation, first of all, I will be covering what are the basic principles of radiation oncology and what are various types of radiation therapy, because very everyone listens about only radiotherapy, radiation therapy. So there are different types of radiation therapy. And basically, brachytherapy is one of the type of radiation therapy. Its treatment process, what is the process of brachytherapy, how we use this modality in treatment of various carcinomas. And in the end, what are the various advances in brachytherapy and basically image-guided brachytherapy. So, starting from what radiation does inside the cell. Basically, whenever we use radiotherapy to control cancer, basically it has two mechanisms of action. First of all, it causes direct damage to DNA. By killing the cell, we can control the cancer. And another mechanism is that is indirect effect, that is radiation causes production of free radicals. And these free radicals, in the end, they cause damage to the cancer cells. So, after mechanism of action, what are the principles basically? We have to deliver optimal dose to the tumor and minimum dose to the surrounding tissue because we are dealing with the human body. And cancer, that is tumor, that is surrounded by various normal organs. So, our main intent is to kill the cancer cell while to prevent the normal surrounding tissue. These are the various cancer treatment options available to us. Surgery, chemotherapy, radiation therapy, and we are just playing with these three main modalities to control the cancer. And when we come towards radiation therapy, it is further divided into two broad categories, that is teletherapy, external beam radiotherapy, and brachytherapy. And other options are also there, hormone therapy and immunotherapy. So basically, what is brachytherapy? Brachy comes from Greek word, it means close, and therapy means obviously treatment. So difference, basically main difference between teletherapy and brachytherapy is that here radiation source is very near to the tumor, that is inside the body. While in EBRT, radiation source is outside the body, which through its radiations are coming and they are causing damage to the cancer cells. So by using brachytherapy, we are avoiding many of the normal tissues which are surrounded, which are by in EBRT, radiation passes through skin, it enters through skin
and it passes through various normal organs in the way passing towards tumor. So main, basically main broadly, this is the main difference. Now coming towards what are the various types of brachytherapy. First of all, most common, which we are mostly familiar with, is intracavitary brachytherapy. In this, basically applicator is inserted inside the natural body cavity. Mainly it is used in gynecological tumors like endometrial carcinoma or cervical carcinoma. Through this applicator, radiation source moves and it provides radiation towards to the tumor, and in this way normal tissue is spared. Another type is interstitial brachytherapy. It is basically important in prostate carcinoma. In this type of brachytherapy, it is mainly done under ultrasound guidance. Ultrasound probe is inserted through rectum, and through its guidance, needle is inserted, and these radioactive seeds are implanted inside the prostate, and these provide radiation to the tumor cells, and these cells are damaged. Mostly brachytherapy is used after EBRT. This is basically, it can be used alone and it is usually combined with EBRT to provide boost treatment. Then is intrahumeral brachytherapy. Again, it is mostly used in esophagus tumors or bronchial tumors. In this, applicators are inserted inside the lumen, that is esophagus or bronchus. But there is a communication gap between the nuclear physician and the surgeon. So this is a misconception that when we report a cold nodule, it is a carcinoma. So this is not the true situation. Cancer patients are at increased risk of infections. सबसे पहले इस पर बात करूँगा, then I will talk about what is, and then other causes like marrow dysfunction in leukemias and other hematological malignancies. That we being nuclear physicians treat differentiated thyroid carcinoma with radioactive iodine, but there is a communication gap between the nuclear physician and the surgeon, between the nuclear physician and the pathologist. What we expect from the surgeon and what we expect from the histopathology report from the pathologists, they are mostly not up to the mark. Therefore, we feel difficulty in staging of the disease, in deciding how much radioactive iodine has to be given. So, there should be collaboration between the nuclear physician and the surgeon. There should be discussion between the histopathologist and the nuclear physician so that we can stage the patient accordingly and decide the radioactive iodine dose accordingly. First thing is that differentiated thyroid carcinoma, the role of radioactive iodine, that is iodine 131, is only in papillary and follicular carcinoma. There is no role in undifferentiated carcinoma and in anaplastic carcinoma. They can be treated with chemotherapy or radiotherapy. Only differentiated means papillary and follicular, or mixed follicular or papillary, which have the capability to capture iodine 131. This isotope, just like normal follicular cells. No doubt these are cancer cells, but they retain the capability to capture radioactive iodine or iodine isotope. Otherwise, anaplastic, undifferentiated, they lose their capacity to accumulate this isotope. Therefore, the role of radioactive iodine treatment is only in differentiated thyroid carcinoma. Among thyroid cancers, 7 to 80% are differentiated, that means papillary and follicular. And papillary cancers are mostly multifocal. They may be in one lobe, and some of the cancers may be in the other lobe also. And they metastasize to the regional lymph nodes mostly. Follicular cancers are mostly single, but they metastasize to the lungs, skeleton, liver, brain,
other sites mostly. The ratio is that these both are more common in women as compared to men, with the ratio of 3-1. Pili carcinoma have an average age in 30s, so it is in young people mostly. Follicular carcinoma, this is in the late age mostly. So differentiated carcinoma is mostly papillary, and in 75% of the cases we get the papillary carcinoma. And follicular carcinoma is 10%, and the staging is done according to the TNM, and that I'll elaborate in next slide. The clinical presentation, you already know, the surgeons already know, the physicians already know, that mostly these present with the solid nodule. It is a common practice that misinterpretation that when we report a cold nodule, even a general practitioner or even a consultant thinks it's a carcinoma, but this is not the true situation. Mostly the cold nodule in 90% of the cases is benign. It may be due to cyst, colloid cyst, hemorrhagic cyst, adenoma, localized thyroiditis. So don't interpret in only 5-10% of the cases there may be carcinoma. So this is a misconception that when we report a cold nodule, it is a carcinoma. So this is not the true situation. Mostly these present as a solid nodule, and there could be a rapid growth. But in our situation, mostly the patients present quite late because these are painless. So with the it may be firm, hard, and sometimes it has local invasion, and it may lead to the hoarseness and invasion of the vocal cords. That is a late stage. So that is important that these carcinomas must be diagnosed in early stages. Then its prognosis is more than 95%. These 95% patients are curable if surgery is done at the proper stage, and we give radioactive iodine with the at the proper stage and put them on lifelong thyroxine therapy. So these are completely curable patients. But in late stage, when there is dysphagia, dysphonia, and invasion of the vocal cords or lymphadenopathy, then we have to stage the patient, and when the stage becomes worse, we have to give more radioactive iodine dose. There is less accumulation of radioactive iodine in the lymph nodes. So we have to do all the investigations first and then decide the dose accordingly. For that, the information from the surgeon, from the histopathologist, they are important for us. Distant lesions may be in the lungs, bones, brains. So these are in stage 4. But still radioactive iodine can be given. We can try, because this radioactive iodine will act as a targeted missile. The functioning metastases will accumulate this isotope. The external radiotherapy that will give more radiation, gives less radiation dose to the target lesion, to the metastases. But this radioactive iodine gives targeted dose specifically to the lesion. So its radiation absorbed dose is more, and this is the most effective and ideal treatment in these situations. In spite of the metastases, no matter whether they are in the brain, whether they are in the lungs, whether they are in the skeleton. In late stage, some of the patients may present with the pathological fractures as well. So natural history of the disease is that age is very important. At what age the patient presents? The gender is important because it's more in females. The size of the cancer is very important, and
This is the main point which I would focus, that we don't get information about the size of the lesion from the surgeon and the histopathologist. Therefore, we are in a fix in staging of the disease, in deciding the dose of the radioactive iodine, which has to be increased according to the stage of the disease. Younger patients have better prognosis. Patients with small cancers have better prognosis. Intrathyroidal cancers have been prognosis than those with capsular invasion, and this is missing in the histopathology reports. Only the, from the local laboratories will get the report, atypical cell scenes, papillary carcinoma of the thyroid. Atypical cell scenes, follicular carcinoma of the thyroid. But these things are important for the nuclear physician, for staging of the disease, for deciding the dose of the radioactive iodine, how to manage it. So we are in a fix how to manage the patient. Other important parameters are local invasion, which the surgeon should elaborate in the postoperative notes. Vascular invasion, which the histopathologist should report. The lymph node involvement, that should also be mentioned. You must have seen the reports from Awa Khan and from Shaukat Khanam. They are well elaborated. They have made 16 or 17 points, and all these points are very important for the nuclear physician, for staging of the disease and deciding the further management. But these are missing from our local pathology, histopathology reports, and even in the post-operative notes. So then, TNM staging is, the T0 is no tumor, T1 is tumor less than 2 centimeters. This is the importance of the size. T2 is tumor between 2 to 4 centimeters, T3 is tumor more than 4 centimeters. And T4 is any tumor, any size, but extending beyond the capsule. This is important. Regional lymph nodes N0 and 1, and similarly is the M0 metastases. So we have to stage these patients and then manage them accordingly. So this is the TNM staging in which age is important. If the age is less than 45 years, the staging is different. If the age is more than 45 years, staging is different. Stage 1, less than 45 years, any T, any N, M0. Stage 2, any T, any N, M1. So, less than 45, there are only two stages. If the age is more than 45 years, then there we go up to the stage 4. Stage 1, T1, N0, stage 2, T2. T2 means already the size of the lesion already 2 to 4 centimeter. Stage 3, tumor size more than 4 centimeter. And if there are distance metastases, then it is stage 4. So this is the importance of the tumor size and the age. Investigations, mostly thyroid ultrasound should be the first, because I have already elaborated.